सब्सक्राइब कर लीजिए टेक्नोदीप चैनल को और इस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सोनी के एक प्रीमियम हेडफोन यूनिट का, जो कि है XBR 550 AP के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, इस यूनिट में काफ़ी सारे फीचर्स बताए गए हैं, जैसे कि अकोस्टिकली टाइट सील आइसोलेशन देता है, जिसमें कि नॉइज कैंसिलेशन पॉसिबल हो सकता है हमारे हेडफोन में। उसके बाद ये आता है 30mm ड्राइव यूनिट के साथ, जिसके वजह से काफ़ी साउंड क्वालिटी इन्हेंस होती है। और कई सारे इसके दावे हैं जो अमेजोन के रिव्यू में भी रिफ्लेक्ट होते हैं कि काफ़ी अच्छा रिव्यूज़ भी हैं इसके ऊपर। तो दोस्तों, आज हम इसी प्रोडक्ट का करते हैं अनबॉक्स और देखेंगे इसके अंदर के कंटेंट और रिव्यू भी कर लेंगे और देखते हैं कि ये प्रोडक्ट सच में कितना अच्छा है। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हो टेक्नोदीप। चलिए शुरू करते हैं आज की अनबॉक्सिंग। तो दोस्तों, ये है सोनी की MDR XB 550 AP स्टीरियो हेडफोन्स एक्स्ट्रा बास की पैकिंग। तो इसमें मिलती है हमें एक साल की वारंटी, और अगर हम यहाँ नीचे की तरफ देखते हैं तो हैंड्स फ्री फ़ोन कॉल्स, पास बूस्टर, 30mm ड्राइव यूनिट, स्वेवल हेडफोन्स हैं और ऑन द ईयर इसका पैटर्न है। और पीछे की साइड में अगर हम देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे कई सारे मेन फीचर्स इन्होंने बताए गए हैं, जिसमें कि अकोस्टिकली टाइट सील मिलता है, 30mm ड्राइव यूनिट जो कि पावरफुल बास डिलीवर करेगा, साउंड जो है इसमें डायरेक्ट साउंड है डिलीवरिंग थ्रू ईयर पैड, तो ईयर पैड इसमें ऑब्स्ट्रक्शन नहीं करेंगे। उसके बाद एक आइडल फिटिंग फॉर वेरियस हेड साइज, तो हेड साइज़ ये काफ़ी फिट होगा तो एडजस्टेबल होना चाहिए ये। और हैंड्स फ्री फ़ोन कॉल्स और रिमोट कंट्रोल फॉर योर म्यूज़िक के लिए भी इसमें ऑप्शन हमें नज़र आता है। साइड में लिखा है एक्स्ट्रा बास, और यहाँ पे कुछ पेमेंट इन्फॉर्मेशन, MRP 3290 है, लेकिन ये 2500 तक आपको मिल जाता है मार्केट में। तो कर लेते हैं हम इसे फटाफट ओपन और देख लेते हैं अंदर के कंटेंट्स। और ओपन करते ही हमें जो पहला मैसेज मिल रहा है कि प्लीज़ रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। यहाँ पे बॉक्स की पैकिंग क्वालिटी काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है, अंदर वाला जो बॉक्स है उसकी। और हम इसे कर लेते हैं ओपन। और यहाँ पे भी जो दिया है एकदम अच्छा सा फैब्रिक फिनिश दिया हुआ है प्रॉपरली। और यहाँ पे अंदर हमें एक और बॉक्स मिल रहा है जिसमें हेडफोन को रखा हुआ है। और बैक साइड में हमें मिलता है एक यूज़र मैनुअल और उसके पिन्स, हेडफोन जैक, यूज़र मैनुअल। यहाँ पे लिखा है इफ़ यू कनेक्ट टू अनसपोर्टेड डिवाइस, तो आपका सही से नहीं चल सकता है तो सपोर्टेड डिवाइस पे ही कनेक्ट कर दीजिए। और हेडफोन जैक है यहाँ पे, और ये हमें मिलता है एल शेप्ड में, जो कि एक अच्छी बात है क्योंकि ब्रेकेज के चांसेस थोड़े कम होते हैं एल शेप में। और ये गोल्ड प्लेटेड 4-पोल मिनी प्लग है, फॉर आईफोन, आईपैड या फिर आईपॉड के साथ भी ये कनेक्ट हो सकता है। और देखते हैं हमारा एक्चुअल हेडफोन, यहाँ पे काफ़ी अच्छा एक मेटालिक फिनिश दिया हुआ है ऊपर से, जो कि काफ़ी प्रीमियम लगता है। और साइड का प्लास्टिक भी काफ़ी अच्छा है, और स्वेवल टाइप का हमारा हेडफोन ईयरफोन्स हैं यहाँ पे जो दिख रहे हैं, और इसका पैडिंग कुशनिंग भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो ये स्वेवल माउंट देखिए पूरा ऑलमोस्ट लाइक 80 डिग्रीज 90 डिग्रीज तक ये स्वेवल होते हैं। पैड्स काफ़ी कुशन अच्छे हैं, प्रेस करके अगर मैं देख रहा हूँ यहाँ पे तो काफ़ी कंफर्टेबल और सॉफ्ट हैं। और उसके अलावा हमें जो पैडिंग है वो अंदर साइड में भी है, जो सिर के ऊपर आपको पैड यहाँ पे मिलेगा, और ये भी काफ़ी सॉफ्ट है, मटेरियल काफ़ी प्रीमियम लग रहा है। और यहाँ पे हमारा राइट साइड का जो हेडफोन है उसको हम स्लाइड करके थोड़ा बड़ा छोटा कर सकते हैं, साइज एडजस्टेबल है दोनों साइड से, लेफ्ट और राइट दोनों साइड से एडजस्टेबल है।
और ये हमारे 30 mm का ड्राइवर यूनिट है जो कि एक काफ़ी पावरफुल बास प्रोवाइड करता है, और इसमें डायरेक्ट साउंड डिलीवरिंग ईयर पैड्स हैं और सॉफ्ट कुशनिंग, तो जो कुशनिंग है वो किसी भी तरीके से आपके साउंड को रेस्ट्रिक्ट नहीं करता है और काफ़ी अच्छा आपको जो म्यूज़िक है वो सुनाई दे सकता है। और किसी भी हेड साइज़ के लिए ये अच्छा है क्योंकि इसमें एडजस्टेबल दिए हुए हैं हमारे जो भी स्ट्रैप्स है ऊपर के, और केबल लेंथ हमें मिल जाती है यहाँ पे 1.2 मीटर, जो कि काफ़ी सफिशियंट सी लेंथ है। और मल्टी फंक्शन बटन की बात करें तो यहाँ पे एक बार प्रेस करना है टू आंसर द कॉल और प्रेस अगेन टू एंड द कॉल, तो बेसिक सा फंक्शन है। और अगर आप म्यूज़िक मोड में हैं, म्यूज़िक सुन रहे हैं, तो आप प्ले और पॉज के लिए भी इसे यूज़ कर सकते हैं। और इंस्ट्रक्शन मैनुअल के अनुसार यहाँ पे आईफोन में आपको कुछ एडिशनल फीचर्स मिलते हैं, जैसे स्किपिंग टू नेक्स्ट ट्रैक या जो आपको डबल प्रेस करके आप यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों कर लेते हैं फटाफट इसे अभी हम ज्वाइन और देखते हैं इसकी म्यूज़िक क्वालिटी। क्या कोई ऐसा तरीका है कि मैं आपको इसकी म्यूज़िक क्वालिटी बता सकूं, आपको सुना सकूं? हेडफोन है तो ये कानों में ही मुझे सुनाई देगा, आपको मैं कैसे सुना के बताऊं? लेकिन ठीक है, मुझे विश्वास रखिए, मैं सुन के आपको बताता हूं। तो हम लोग अभी इसके लिए कनेक्ट करते हैं मोबाइल फ़ोन के ऊपर, और मेरा मोबाइल फ़ोन जो है दोस्तों सी टाइप है, तो इसमें सी टाइप चार्जिंग केबल के अंदर ही हेडफोन जैक यूज़ करना पड़ेगा, तो मुझे इसमें अडेप्टर लगाना पड़ेगा। और ये अडेप्टर है, तो फटाफट लगा देते हैं इसे अंदर। कौन सा गाना सुने? पर्सनली मुझे लैम्बोर्गिनी सॉन्ग काफ़ी पसंद है। लेट्स क्विकली हियर द लैम्बोर्गिनी सॉन्ग। लेट्स ट्राई दिस, मैं माइक के पास लेके आ रहा हूँ इसे। मुझे पता नहीं है अभी इस समय किस तरह से रिकॉर्ड हो रहा है और क्या क्वालिटी में आपको सुनाई दे रहा है। तो दोस्तों पॉज कर देते हैं इसे, तो जूम आउट। दोस्तों क्वालिटी की अगर मैं बात करूं तो मैंने इससे पहले भी थोड़े गाने सुने हैं इसी में, और मुझे क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगी, क्योंकि मेन रीज़न ये नहीं कि ये काफ़ी महंगा है तो इसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, बट मैंने एक जो बात नोट की है कि ये जो है हेडफोन्स है, दे आर नॉट द ईयरफोन्स, फिर भी इसमें नॉइज़ कैंसिलेशन अगर देखें तो काफ़ी अच्छा नॉइज़ कैंसिलेशन मिल रहा है। जब भी जैसे ही मैं इसे पुट कर रहा हूँ अपने हेड पे, तो मुझे बाहर की आवाज़ काफ़ी रिड्यूस हो गई है। तो जनरली मुझे हेडफोन्स में कभी ये सब देखने को नहीं मिला, ईयरफोन्स में तो अंदर आपके ईयर कान में जाते हैं तो जनरली वो सील हो जाता है, लेकिन इनमें हेडफोन्स में मिलना मतलब जो इसका ईयर पैड है और जो सिटिंग है आपके कान के ऊपर, ये काफ़ी अच्छी हो रही है। और इसमें जो मिड्स है, जो बेस है, ये काफ़ी क्लियरली सुनाई दे रहा है मुझे। स्मॉल जो टोन्स है वो भी क्लियरली इसमें डिस्टिंग्विश हो रहे हैं। तो ओवरऑल दोस्तों मैं तो कहूँगा कि क्वालिटी मुझे अच्छी लगी है, लेकिन अगर प्राइस पॉइंट भी अगर देखें तो भाई 3000 MRP है, 2500 तक ये आ जाता है मार्केट में, बट 2500 में वायर्ड कंसीडर करना मुझे थोड़ा कॉस्टली अफेयर लग रहा है। क्वालिटी नो डाउट अच्छी है, बट अगर आप लाइक म्यूज़िक गीक है, आपको क्वालिटी आपकी नंबर वन प्रायोरिटी है और आपको हेडफोन में ये सुनना पसंद है, तो फिर मैं डेफिनेटली ये रिकमेंड करूँगा हेडफोन। तो दोस्तों मुझे बताएं आपको कैसा लगा ये रिव्यू, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए टेक्नोदीप, और उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे ही कुछ रिव्यूज़, इंटरेस्टिंग रिव्यूज़ मैं आपके सामने लेके आऊँ तो आपको फटाफट उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।